हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। आज हम यहां पे Realme के डिवाइसों का ओवरहीट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। यहां पे हम Realme 2 Pro, Realme 3, Realme 3 Pro के बीच में एक्सट्रीम लेवल हीट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और यहां पे हम टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री तक ले जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि मोबाइलों के साथ होता क्या है जब 100 डिग्री में हम मोबाइल को ऑपरेट करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि हम ये टेस्ट Realme के डिवाइसों के साथ क्यों कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि ये टेस्ट हमने पहले भी परफॉर्म किया लगभग हर एक ब्रांड के मोबाइल्स के साथ, जिसमें Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 5 Pro, Poco F1, Asus Zenfone Max Pro M1, M2, Samsung Galaxy M20, M30 और A50, Honor 8X, Honor 10 Lite, Nokia 6.1 Plus, यानी कि हमने यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स के मोबाइलों के साथ ये टेस्ट परफॉर्म किया जिन्होंने अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स किया है। यानी कि कुछ यहाँ पे ओवरहीट होने के बाद नोटिफिकेशन देते हैं, बैकग्राउंड के टास्क को क्लोज कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपने मोबाइल को, कुछ यहाँ पे पहले नोटिफिकेशन देते हैं और बंद हो जाते हैं। यानी कि अलग अलग तरह से यहाँ पे मोबाइलों ने परफॉर्म किया और कुछ मोबाइल में हमें सेफ्टी प्रिकॉशन देखने को नहीं मिला, यानी कि इवन नोटिफिकेशन भी नहीं देते, मोबाइल काफी ज्यादा हीट हो जाता उसके बाद भी। तो यहाँ पे हम Realme के डिवाइस इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने Realme के जितने भी डिवाइसों से अभी तक ओवरहीट टेस्ट परफॉर्म किया है। कोई भी डिवाइस अभी तक बंद नहीं हुआ है, किसी में भी अभी तक ओवरहीट का नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो हम यही देखना चाह रहे हैं कि Realme के डिवाइसों में वाकई में सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं दिया गया है या फिर इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि 80 डिग्री तक जाने के बाद भी मोबाइल में किसी भी तरह के इम्पैक्ट नहीं आते हैं और मोबाइल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे टेस्ट के बेसिक्स की बात करें तो हमने सबसे पहले मोबाइलों को नॉर्मल यूज किया है रूम टेम्परेचर पे। अभी वेदर कंडीशन काफी हाई है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों ही डिवाइस में जो मैक्सिमम टेम्परेचर गया है 38 से 39 डिग्री का जा चुका है। जबकि अगर हम यहाँ पे आपको बैटरी का टेम्परेचर चेक करा दे तो आप देख सकते हैं 38 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर है Realme 3 में, Realme 2 Pro में 39 डिग्री का है जबकि 36 डिग्री का Realme 3 Pro में। अब हम यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल ओवरहीट टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने तीनों ही डिवाइस में PUBG ऑन कर दिया। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे तीनों ही डिवाइस को PUBG ऑन करके डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन में रख दिया, यानी कि धूप में रख दिया। वैसे ही वेदर कंडीशन काफी हाई है तो ये वही सिचुएशन है जब आप फील्ड में मोबाइल को यूज करते हैं या फिर कुछ ऐसी कंडीशन आपके सामने फंस जाती है कि आपको धूप में मोबाइल को ऑपरेट करना पड़ता है, कुछ हैवी टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो हमने यहाँ पे हैवी टास्क परफॉर्म करने के तौर पे PUBG प्ले किया है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे एक काउंटर भी ऑन कर दिया है, उसे भी हमने धूप में रखा है। तो अप्रोक्स 20 मिनट हो चुके थे और जब हमने यहाँ पे मोबाइलों को देखा तो मोबाइलों का टेम्परेचर वैसे बहुत ज्यादा जा चुका था। इसके साथ साथ जो काउंटर वाला मोबाइल था वो ऑफ हो चुका था। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे तीनों ही डिवाइस के टेम्परेचर चेक करा दे तो आप देख सकते हैं 83 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर जा चुका है Realme 3 में जबकि 85 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर जा चुका है Realme 2 Pro में। और 81 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर जा चुका है Realme 3 Pro में। यानी कि 80 डिग्री क्रॉस कर चुके हैं मोबाइलों का टेम्परेचर लेकिन अभी तक मोबाइलों में किसी भी तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया है, किसी भी तरह की वार्निंग साइन नहीं आई है और गेम अभी भी प्ले हो रहा है। हालांकि लैगिंग और फ्रेमिंग देखने को मिल रही है क्योंकि प्रोसेसर इतना टेम्परेचर सपोर्ट नहीं करता है तो हमें काफी ज्यादा यहाँ लैगिंग फ्रेमिंग देखने को मिल रही है। लेकिन हमने ये टेस्ट यहाँ पे स्टॉप नहीं किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो काउंटर वाला मोबाइल था वो Zenfone Max Pro M1 था, ये कंप्लीट ऑफ हो चुका है। और इसका अगर हम आपको टेम्परेचर मेजर करके दिखा तो ये काउंटर वाला मोबाइल भी ऑन था लेकिन इसका टेम्परेचर मैक्सिमम 70 डिग्री गया है और ये टर्न ऑफ हो गया इसलिए इसका टेम्परेचर इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा। इसके बाद हमने यहाँ पे टेस्ट को कंटिन्यू परफॉर्म किया। टेस्ट को आगे परफॉर्म करने के लिए हमने PUBG को बंद करके अब तीनों ही डिवाइस में कैमरा ऑन कर दिया और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके तीनों को डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया, यानी कड़कती धूप में रख दिया है। इसके साथ साथ Zenfone Max Pro M1 को हमने 5 मिनट कूल होने दिया। कूल होने के बाद जब हमने इसे ऑन किया तो ये ऑन भी हो गया। यहाँ पे जो काउंटर था वो कंटिन्यू चल रहा था। 47 मिनट हो चुके हैं हमें ये टास्क परफॉर्म करते हुए। उसके बाद जब हमने मोबाइलों को वापस स्टूडियो में लाके चेक किया तो उनकी कंडीशन, तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं तीनों ही मोबाइल के जो डिस्प्ले हैं वो जल चुके हैं, यानी कि यहाँ पे पिक्सल डेड हो चुके हैं, कलर चेंज हो चुका, ब्लैक हो चुका, कुछ येलो टोन में स्पॉट आ चुके हैं। आप देख सकते हैं तीनों के ही डिस्प्ले यहाँ पे जल चुके हैं लेकिन तीनों में रिकॉर्डिंग ऑन है। और अगर हम आपको यहाँ टेम्परेचर मेजर करके दिखा दें तो आप देख सकते हैं 81 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर Realme 3 में जा रहा है और 89 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है Realme 2 Pro में और 89 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है Realme 3 Pro में। तो आप देख सकते हैं जो बर्न हुई है स्क्रीन वो काफी जल्दी रिकवर कर रही है। उसका रीजन है तीनों में ही आपको LCD डिस्प्ले मिल रहा है तो इसका एक बेनिफिट होता है। आप देख सकते हैं जो बर्न के स्पॉट थे वो काफी जल्दी रिकवर होते जा रहे हैं। We'll be right back.
इसके बाद अगर हम आपको यहाँ पे बैटरी का टेम्परेचर मेजर करके दिखा दें तो आप देख सकते हैं 60 डिग्री बैटरी का टेम्परेचर जा चुका रियलमी 3 में, 70 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जा चुका रियलमी 2 प्रो में और 80 डिग्री बहुत क्रिटिकल कंडीशन में चल रहा है रियलमी 3 प्रो यहाँ पे। इसके बाद हमने टेस्ट को स्टॉप नहीं किया, मोबाइल में अभी भी हमने कैमरा ऑन रखा था, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन रखी थी और इन्हें हमने फिर से धूप में रख दिया था। आप देख सकते हैं धूप में इनका जो टेम्परेचर है वो 94 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, यानी कि 94-95 डिग्री तक पहुंच चुका है मोबाइलों का टेम्परेचर यहाँ पे, लेकिन अभी भी किसी भी तरह की वार्निंग साइन नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया। अदर मोबाइल तो 60 डिग्री पहुंचने के बाद ही वार्निंग साइन देने लगते हैं, नोटिफिकेशन देने लगते हैं, स्विच ऑफ हो जाते हैं, लेकिन रियलमी के डिवाइसों में हमें किसी भी तरह का एल्गोरिदम वर्क करता हुआ नजर नहीं आ रहा, या फिर यहाँ पे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता 100 डिग्री जाने तक भी मोबाइल को। यहाँ पे कैमरा ऑन है जिससे बैटरी भी कंज्यूम काफी जल्दी हो रही है, कैमरा मॉड्यूल हीट हो रहा है, प्रोसेसर हीट हो रहा है, यानी कि मोबाइल बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुका है। तो अब आप कमेंट करके ये बताइए आपका ओपिनियन क्या है, अगर मोबाइल ओवरहीट होता है तो आपके हिसाब से उसके साथ होना क्या चाहिए, क्या मोबाइल को बंद हो जाना चाहिए या फिर बैकग्राउंड के ऐप्स को क्लोज कर देना चाहिए जिससे बैटरी कंजप्शन रुक जाए और प्रोसेसर पे लोड रुक जाए जिससे उसका हीट होना बंद हो जाए, यानी कि किस तरह का एल्गोरिदम होना चाहिए मोबाइल का, कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहाँ पे हमें ऐसा लगा कि रियलमी के मोबाइलों में हमें एक न्यू फीचर देखने को मिल रहा है जो कि बहुत यूनिक फीचर है। अब आप मोबाइल में ऑमलेट भी बना सकते हैं, यानी कि एग फ्राई भी कर सकते हैं, तो हमने वो भी ट्राई कर लिया। कुछ नहीं, बस आपको यहाँ पे एग फ्राई की थोड़ी सी मेथड है, आपको यहाँ पे बस ऑयल लगाना हल्का हल्का और एग को फोड़ के डाल देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑमलेट बनना स्टार्ट हो चुका है। तो ये न्यू फीचर एक छोटा सा जोक था, इसे सीरियस मत लीजिए, लेकिन ये एक सीरियस इशू हमें लगा रियलमी के डिवाइसों के साथ। तो आप कमेंट जरूर कीजिए आपके ओपिनियन क्या है, इसके साथ साथ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टीवाईजे वर्ल्ड।